हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट का जीके ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हमारा दूसरा लेसन चल रहा है, पादप जगत और वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 70 प्रश्न कवर कर लिया था, अभी हम देखेंगे 71वां प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो चावल का जो खेती होता है उसमें क्या होता है, नीलहरित शैवाल की प्रचुरता होती है, नीलहरित शैवाल। और अगर वहाँ से आपको पूछा जाए कि चावल की खेती में कौन सा गैस आता है, तो कौन सा गैस आता है, मार्स गैस। और मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है, याद रखिएगा, मीथेन CH4 होता है उसका फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो क्या होता है, क्लोरेला, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, क्लोरेला। ये क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री को ज्ञातव्य होगा कि ऑक्सीजन की क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसके लिए वे क्या करते हैं, वो एक कोशिकीय शैवाल ले जाते हैं जिनका नाम क्या होता है, क्लोरेला। ये पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो क्यों है, क्योंकि उसमें लाल सागर में रेड कलर का शैवाल पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है लाल सागर। याद रखिएगा, क्यों लाल है, तो लाल शैवाल के कारण। नेक्स्ट है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है किससे, शैवाल से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो मेरा पहला ही प्रश्न था पहले वीडियो का, जो स्टडी ऑफ अलगी क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। फिर है कवकों, अब इतने नंबर थे शैवाल, अब क्या आ गया, कवक मीन्स फंगी। तो कवकों की कोशिकाएं भित्ति सेलवाल जो होता है किसका बना होता है, तो ये होता है काइटिन और हेमी सेलुलोज का। हेमी सेलुलोज, ध्यान रखिएगा, ये हेमी सेलुलोज है। सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है, शैवाल का बना होता है, और ये क्या है, हेमी सेलुलोज। तो याद रखिएगा, काइटिन और हेमी सेलुलोज। नेक्स्ट है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। तो वो होते हैं ग्लाइकोजेन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। फिर सभी कवक सदैव होते हैं, तो कवक जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं, वो होते हैं विविध पोषी, विविध पोषी। अच्छा, अगर आप इसे पहले पढ़ चुके हैं तो आप मुझे प्रश्न मीन्स बताओ कि विषाणु जो होता है मीन्स वायरस, वायरस वो क्या होता है, मीन्स स्वपोषी होता है या परपोषी होता है, विविध पोषी होता है, कैसा होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे कि कवक क्या होता है, विविध पोषी होता है। फिर है माइकोराइजा, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। ये क्या होता है, कवक तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच, कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में ये जो एक संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, माइकोराइजा सहजीवी। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम कोर्टिकोलस, क्या कहते हैं उसे, कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रोप्टो, क्रोप्टोफिलस, क्रोप्रोफिलस, क्रोप्रोफिलस। याद रखिएगा, यह कोर्टिकोलस और ये क्या है, कोप्रोफिलस। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल किस में नहीं होता है, तो वो होता है फंगी में नहीं होता है, कवक में नहीं होता है, क्योंकि इसे भोजन बनाने के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और ये हमेशा क्या होता है, मृत पौधे पे मीन्स ये संश्लेषण नहीं करता। आप लोग मीन्स अगर आप NCERT पढ़ेंगे 4-5 का, तो उसमें फंगी का डिफिनेशन क्या है कि ये डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे उगता है, ठीक है ना, मरे मृत जीव पे उगता है, तो इसको क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, तो कवक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आलू का लेट वाइट उत्पन्न होता है, क्या होता है, फाइटोपेथोरा इन्फेक्शन के कारण, इन्फेस्टेंस के कारण, ठीक है ना, फाइटोपेथोरा। अच्छा, एक प्रश्न है कि आलू का एक रोग होता है जो वायरस के कारण होता है, तो वो रोग कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो। नेक्स्ट, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है, तो वह सक्रोमाइरिज सेरेबिसी, सक्रोमाइरिज सेरेबिसी। आपको मेनली ये पूछा जाता है कि डबल रोटी में क्या मिलाया जाता है, तो क्या होता है, वो कवक होता है, ठीक है ना। फिर है पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम क्या है, एक प्रकार का कवक, इसी से बनाया जाता है पेनिसिलिन, ठीक है ना, पेनिसिलिन। नेक्स्ट प्रश्न यही है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किया था, ए फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग। फिर ऑर्गोट, ऑर्गोट प्राप्त होता है, ऑर्गोट कहाँ से प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स।
नेक्स्ट, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? किया जाता है पेनिसिलियम क्रोसोजेनम से, पेनिसिलियम क्रोसोजेनम से। देखो पेनिसिलियम सब में है तो आपको याद रखना पड़ेगा क्रोसोजेनम, क्रोसोजेनम। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, क्या होता है? CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर यीस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक होता है? तो कौन सा खाने योग्य है? एगोरिकस, एगोरिकस। फिर एलएसडी किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है कवक से। किससे? एलएसडी किससे? कवक से। प्रथम प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिजैविक कौन सा है? मीन्स पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया वो कौन सा था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन का खोज कौन किया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ देर पहले ही पढ़े थे ये प्रश्न। फिर एस्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? कौन किया? वॉक्समैन, वॉक्समैन। फिर टिक्का डिजीज किसमें होता है? किसमें होता है? मूंगफली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली। फिर गेहूं में लाल सलन रोग उत्पन्न होता है तो किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। खुजली का रोग एस्केबीज के कारण उत्पन्न कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मीन्स खुजली का रोग होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, आसान सा था। फिर बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि क्या हो? ब्रेड का मुलायम और लचीला बनाने के लिए। आंसर हमारा बी सही है। नेक्स्ट, प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा था इसमें से? तो वो था पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। फिर एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? किससे होती है? कवक से, कवक से। इसको फुट एवं मौत का डिजीज जो होता है उससे नहीं कंफ्यूज करना, वो होता है जीवाणु के कारण, ठीक ना। और एथलीट फुट क्या होता है? कवक के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? क्या होता है? माइकोराजा, माइकोराइजा। नेक्स्ट, एफ्लाटॉक्सिन है। देखो टॉक्सिन जब ही है तो क्या होगा? विष होगा। तो एफ्लाटॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष, कवक द्वारा उत्पन्न विष। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका होता है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। फिर लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे को मिलाकर बनता है वे कौन से पौधे होते हैं? तो वो होते हैं कवक और शैवाल। लवक और शैवाल को मिला क्या बनता है? लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन सूचक होता है, ये बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक ना। तो लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। किसका? वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? वो होता है लाइकेन से। लिटमस किससे होता है? लाइकेन। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, ये भी हम ऊपर पढ़े थे, वो क्या कहलाता है? हेलोटिज्म, हेलोटिज्म। फिर पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं कार्टिकोलस, कार्टिकोलस। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो मीन्स खाली चट्टान पर अगर उगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस। फिर जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान तो नहीं, पूरा दुनिया में खाता है, तो वो क्या है? इंडोकॉर्पन, इंडोकॉर्पन। नेक्स्ट है मिर्गी जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है कि असौधे किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ये इम्पोर्टेंट है, ये होता है परमेलिया, परमेलिया से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वनस्पति जगत का उभयचर होता है? तो उभयचर होता है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो जड़ के स्थान पे भी जो मूल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है, इसमें से कौन सा जो है वो ब्रायोफाइट में सम्मिलित है? तो वो होता है लीवरवर्ट और मॉस, लीवरवर्ट और मॉस।
बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है, किसमें होता है वो, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। एजोला है, एजोला एक प्रकार का क्या है, तो होता है जलीय फर्न, जलीय फर्न। नेक्स्ट है पुनर्जीवित या पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, तो किसे रखते हैं हम, सीलेजिनेला, सीलेजिनेला ये क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है। निम्नलिखित में से किसके विषाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो होता है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जैव उर्वरक इसमें से क्या है, एजोला, एजोला ये सब क्या है, रासायनिक उर्वरक है, ठीक ना, जैसे एजोला है, ढेंचा है, तो ये सब क्या है, मीन्स जैविक या बायोफर्टाइल है, तो याद रखिएगा इसको। अच्छा, पहला स्टेट जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट हो गया उस स्टेट का नाम बताइए। हिंट के लिए बता देते हैं कि उसके जो सीएम है, सीएम वो इंडिया के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले सीएम है, मीन सबसे अधिक दिनों तक अपना सर्विंग दिया, टाइम दिया, तो अब बताइए वो कौन सा स्टेट है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, तो वो होता है टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। ह्यूमन में कितना होता है, 23 जोड़ी, मतलब 46, याद रखना है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं, तो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। फिर संसार का सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है, तो वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म से ही, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, कहा जाता है चिलगोजा को, चिलगोजा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर एक कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है, कोरेलाइड जड़ें किसमें होती है, वो होती है साइकस में, किसमें, साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, तो सबसे बड़ा बीजांड भी होता है साइकस में। नेक्स्ट है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनल, पाइनस सॉरी पाइनस से। फिर है साबूदाना किससे बनाया जाता है, लोग जो साबूदाना खाते हैं वो किससे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है साइकस से। नेक्स्ट है दमा एवं खांसी के रोग को काम में आने वाली औषधि इन्फेड्रीन किससे प्राप्त होती है, तो इन्फेड्रीन प्राप्त होती है इन्फेंड्रा से, इन्फेंड्रा। कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है, इनमें से कौन सा जो है लिविंग फोसियल कहलाता है, तो कौन सा है, जिनकगो, जिनकगो। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए होता है, जीवित कोशिका चाहिए, ये पढ़ चुके हैं, जीवित कोशिका। फिर सूक्ष्म जीव मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी, क्योंकि हम पढ़े हैं शैवाल है, दलदल भूमि में भी वहाँ भी मिलते हैं, रेतीले मिट्टी में भी वहाँ मिलते हैं, सभी जगह मिलते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड, हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।